अस्सलामुअलैकुम भैया, कैसे हो आप लोग। मैं एक मीडिया एसी का एक सर्किट पीसीबी लेके आया। इसका जो है E7 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा आप, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा। आप देख सकते हैं इसका जो प्रॉब्लम होगा वो भी सब सॉल्व कर सकता है। ठीक है, मैं आप दिखाने वाला है, अभी देखते जाओ। पावर जितने पावर लगा रहा है ये किसी भी का, फुल पावर लगा चुका है। अभी आप देखो पावर दिया, अभी देखो ये डायरेक्ट E7 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अभी निकलेगा इसका जो क्या मसला है, इसका सोल्यूशन क्या है अभी बताएगा। ठीक है, मैंने अभी ये मोटर लिया एक्सिस, इसका जो इंडोर मोटर है ये लिया, सप्लाई का ये लिया और साथ में एक लाइट लिया पावर सप्लाई के लिए। चेक करेगा तो इंशाल्लाह आप देखते जाओ और क्या मसला है वो तो बता देगा अभी इंशाल्लाह। अभी मैंने लगा रहा है ये पावर सप्लाई का, अच्छा इसका कनेक्टर लगा हुआ है। अभी मैं न्यूट्रल से इसका डायरेक्ट कनेक्टर लगा हुआ है, तो जो मैंने लगाया अभी इसको डायरेक्ट करना होगा। ठीक है, ये जब घर में चालू था पूरा ये E7 आ रहा था, लेकिन इसका मसला जो है ना, अभी ये मैंने ये सेंसर सारा चेक किया है, जो इंडोर सेंसर होता है ब्लू सर सेंसर दोनों चेक किया। ठीक है, अभी इसका रिमोट भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है इसका भी मैंने एक दूसरा सेंसर जो आउटडोर सेंसर लगा होता है वो आउटडोर सेंसर लगाएगा। आप देख सकते हैं ऐसा एक सेंसर लेना चाहिए जो आउटडोर के लगा होता है। तो अभी ये मैंने चेक कर रहा है ये आउटडोर सेंसर का, आपका आउटडोर का सेंसर ख़राब होगा, कोई इंडोर का सेंसर ख़राब होगा, इस सेंसर का वजह से ईरर आता है। तो ईरर का मतलब अभी डायरेक्ट अभी पता चल जाएगा क्या मसला है। मैंने अभी बिस्मिल्लाह ये सेंसर लगा रहा है, देखो क्या रे देखो, सेंसर लगाने के बाद ये पूरा बंद हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये सेंसर एरर का ये जो प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए अभी वो निकल गया। अभी मैं रिमोट चालू करता हूँ, देखो ये अभी चालू हो गया।
ठीक है, इसका जो इंडोर मोटर है वो भी चालू हो गया। ठीक है, तो मैंने देखता हूँ इसका कितना टाइम उसका क्या होता है, सप्लाई कितने टाइम पे आ रहा है ये देख लेते हैं। तो मैंने अभी ये जब दिखा रहा है आप, तो इसका आसानी से सॉल्व कर सकता है ये जो E7 का या हीरो रहता है, ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये आउटडोर सेंसर का वायर लगा हुआ है, आउटडोर सेंसर ख़राब हो चुका है तो इसके वजह से ये मसला आ गया। ठीक है, इसलिए अभी इसका कोई इतना यानी रश नहीं है, आराम से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो मैं देखते जाए या सप्लाई तक इंतजार करना है। इधर आउटडोर पूरा सप्लाई जा रहा है, यह अभी हीटर में चल रहा है, कमोड चेंज करना होगा ऑटोमेटिक। ये देखो अभी ठीक है, जब कूलिंग में लेके आया ये बराबर चालू हो गया। ठीक है, अभी मेरा रिमोट बराबर काम कर रहा है, देखो बंद हो चुका है, इधर ये भी बंद हो चुका है। ठीक है, अभी बंद हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, अभी दोबारा चालू करता हूँ, आप देख लो। ठीक है, अभी जब चालू किया अभी ठीक वो टाइम से चालू हो जाएगा। ठीक है, देखो इंडोर चालू हो गया, इंडोर मोटर चालू हो गया, बस इसका 3 मिनट बाद में इसका आउटडोर सप्लाई आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसानी तरीका है, तो ये बस हो गया और आपका जो प्रॉब्लम है ऐसे सॉल्व कर सकता है और कोई या नहीं है। ठीक है भैया, ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, ऐसा वीडियो देखते रहना और सब्सक्राइब कर देना।